हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बनपुर सीमेंट कंपनी के बारे में। बात करेंगे कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल्स कैसे हैं और उसी के साथ साथ में यहाँ पर कंपनी का जो शेयर प्राइस इससे ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, और उसी के साथ साथ में ऐसे कौन कौन से की पॉइंटर्स हैं जो कि यहाँ पर हमें पता होने चाहिए इस कंपनी में निवेश करने से पहले, तो वो सब चीज़ों के ऊपर भी हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन, ताकि यहाँ पर आप जो है अपडेट्स पास हो शेयर मार्केट रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ एज वेल एज कोई भी अच्छे जो शेयर्स होते हैं या फिर अगर कोई भी ऐसे शेयर्स होते जिसमें हमें निवेश नहीं करना है उनके बारे में भी हम इस चैनल पर आपको ज़रूर बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो बनपुर सीमेंट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसका जो यहाँ पर हम कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बिजनेस सेगमेंट क्या है, इस कंपनी के जो सेगमेंट है उसके साथ में कंपेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सीमेंट बेस्ड कंपनी है तो सीमेंट सेक्टर की जो भी कंपनी है उसके साथ में इस कंपनी को कंपेयर करेंगे कि इस कंपनी में कितना ग्रोथ है, कौन कौन से की पॉइंटर्स यहाँ पर हमें पता होने चाहिए, और करंटली शेयर जिस तरह से यहाँ पर आपको मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं, प्रमोटर होल्डिंग जिस तरह की देखने को मिल रही है, और यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर हमें इस कंपनी का किस तरह के जो नतीजे हैं वो देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेडीज BCL यानी कि बनपुर सीमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका जो मेन जो कारोबार है वो सीमेंट रिलेटेड जो है मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज जो है जो मार्केट में सेलिंग वगैरह होती है वो ये कंपनी जरूर करती है, बट इस कंपनी का जो मेन जो मार्केट कैप्चराइजेशन है वो वेस्टर्न साइड पर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल साइड का जो भी एरिया होता है वहाँ पर इस कंपनी का जो है मेन सेंटर या फिर आप मेन सेगमेंट समझ सकते हैं, मेन सीमेंट बेल्ट जो हम कहते हैं कि वहाँ पर इस कंपनी के मेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा यूज होते हैं तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिए हुए फैसिलिटी लोकेटेड वेस्ट बंगाल झारखंड, और ये जो कंपनी है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल के अंदर। 1986 में कंपनी जो है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से लेकर अभी तक अगर हम देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप जो हमें डेटा शो हो रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 55.6 करोड़ का ही। एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है काफ़ी कम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर है 91.8%, जो कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी नेगेटिव बात है कि इस कंपनी के अंदर जो प्लेज होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो देखने को नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तो ये हमें ये इंडिकेशन देती है। एज वेल एज कंपनी का ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पर हमें जो है -4.56 का देखने को मिल रहा है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो कंपनी के जो नतीजे हैं जो कंपनी का कैपिटल रेडिस मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफकोर्स डेट एज वेल एज इक्विटी उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है कंपनी अच्छा खासा जो बिजनेस नहीं कर पा रही है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं देगी बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, बिकॉज यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप ही है 55 करोड़ का और उसके ऊपर जो डेट है कंपनी का वो है 450 करोड़ का ये कंपनी का डेट है, और वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पर हमें 452 करोड़ के माइनस में देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के पास जो कंपनियां काम करने का जो ढंग होता है उसके लिए कंपनी के पास पैसे भी नहीं है, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग पहले से है 27.6% और उसके अंदर से भी 91.8% ऑफ द होल्डिंग जो है यहाँ पर कंपनी की गिरवी है, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू भी यहाँ पर हमें जो है -30.2 रुपीज़ पर देखने को मिल रही है। हालांकि 2018 से लेकर अगर हम यहाँ पर 2021 का कंपेरिजन भी करें तो अच्छी बात तो ये कि कंपनी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ग्रो हो रहे हैं, दैट इज टॉप लाइन जो है कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ग्रो हो रही है, बट कंपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर जो कंपनी काम करती सेक्टर में काम करती है एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं मार्केट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट यहाँ पर कंपनी एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल में नहीं है और साइक्लिकल बिजनेस है सीमेंट का राइट, तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो यहाँ पर जो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल में यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। 2018 से लेकर 2021 तक के जो डेटा है अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू वो 3 times ग्रो हो चुके हैं, बट जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर 44 करोड़ से जो है ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीज़ हो चुकी है, तो ये फैक्टर है वो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स दैट इज पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह के नतीजे दिखाए हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी कॉमन देखने को मिल रही है, 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इफ़ यू वांट यहाँ पर आप पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, देख सकते हो कि जो कंपनी नेट प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पर मैं माइनस के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब हर क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने घाटा किया है बिकॉज ऑफ द वन फैक्ट कि यहाँ पर ऑल दो कंपनी को जो टैक्स है देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट यहाँ पर जो है कंपनी जो प्रॉफिटेबल स्टेज है वो यहाँ पर हमें शो होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर 2021 के अंदर भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यूज काफ़ी तगड़े रहे, 43 करोड़ रुपीज़ एज वेल एज दिसंबर 2021 के अंदर भी 35 करोड़ का जो है एक तगड़ा यहाँ पर कंपनी जो है अच्छा सा जो है रेवेन्यू जो कंपनी टॉप लाइन है वो जनरेट ज़रूर हो रही है, बट जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो अभी तक जो है अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पा रही है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो यहाँ पर जो कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट वाले यहाँ पर हमें शो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो 2019 मार्च से लेकर अगर हम दिसंबर 2021 तक भी देखें तो 27.57% की जो है कंपनी की यहाँ पर हमें प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। हालांकि जो बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर पब्लिक द्वारा किया गया हुआ है, तो ये मेरे से काफ़ी कॉशियस रहने वाली चीज़ है कि कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो रिड्यूस तो हो ही रही है स्लोली एंड स्टेडीली, बट जो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग जो करंटली आपको देखने को मिल रही है फ्रॉम दैट ऑल्सो 91% ऑफ द होल्डिंग जो है यहाँ पर कंपनी ने प्लेज कर रखी है। तो ये जो है इन निवेशकों के लिए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी नेगेटिव बात रहती है कि कंपनी जो भी होल्डिंग है जितनी है वो भी प्लेज करके रखी हुई है, सो दैट इज़ अ नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन। अगर सीमेंट सेक्टर के साथ अगर हम इस कंपनी को कंपेयर भी कर लेते हैं तो ROC के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो सब कंपनी जो है एक पॉजिटिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ यहाँ पर आपको मार्केट में ट्रेड हो रही है होते हुए देखने को मिल रही है, और जो प्राइस टू अर्निंग है उस सेक्टर उस सेगमेंटेशन के हिसाब से भी एक प्रॉफिटेबल स्टेज में यहाँ पर हमें जो है सीमेंट सेक्टर की कंपनीज जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल दो अल्ट्राटेक सीमेंट एक अच्छा सा मार्केट लीडर होते हुए एक अच्छे से 29 के प्राइस टू अर्निंग पे और एक अच्छे से ROC दैट इज 15.13% के एक ताबड़तोड़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ में यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये जो फैक्टर है वो यहाँ पर हमें कंसिडर करना चाहिए कि सीमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारी अच्छी बेहतरीन कंपनीज जो है यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो हमें 7th नंबर पे जो कंपनी है बिरला कॉरपोरेशन सीमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देखिए मार्केट कैप कम जो है काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के बारे में भी हमें जो अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी बिकॉज कंपनी का यहाँ पर ROC भी काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर बनपुर सीमेंट के बारे में जो कंपनी ROC जो कंपनी जो टॉप लाइन है वो यहाँ पर हमें ग्रो तो जरूर देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर जो अपनी बॉटम लाइन जो ग्रो होनी चाहिए वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही। सो टिल देन यहाँ पर मैं इस कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए मैं आपको ना ही बोलूँगा। हालांकि 5 साल का जो हाई प्राइस है वो 16.5 और आज भले ही यहाँ पर आपको 4% की तेज़ी के साथ में 0.25 पैसा जो है ऊपर आपको ज़रूर आते हुए देखने को मिला है, बट फ्रॉम ओवर साइड यहाँ पर हमें कंपनी जो भी प्रोज एज वेल जो कॉन्स है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इस कंपनी में आपको निवेश करना है या नहीं। सो आई डेफिनेटली होप कि यहाँ पर हमने जो आपको वीडियो बताई है जो कंपनी के बारे में एनालिसिस करके बताया इट्स बनपुर सीमेंट के बारे में वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा और आपको जो है पता चल गया कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।